हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाई हूं ऑफ बेरस कुंड, जो कि आया हुआ है कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, बेरस कुंड जो है वो कर्णप्रयाग उत्तराखंड से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे कवर करने के लिए आपको अप्रॉक्स लग जाएंगे 1 आवर 45 मिनट्स, 2 घंटे मान के चलिए, क्योंकि रास्ता भी जो है वो वन वे है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा गाड़ी को, तब जाके आप पहुंच पाएंगे। हम लोग गए थे अक्षय की वजह से। फ्रेंड्स, ये जगह वैसे इतनी फेमस नहीं है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट उसके बावजूद हम लोग गए थे क्योंकि अक्षय को विज़िट करनी थी ये प्लेस। बट मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, चलो चलते हैं। पहले थोड़ा सा रिग्रेट कर रही थी, पर जब यहाँ की सीनरी वगैरह देखी तब फिर समझ आया कि नहीं, ये तो मस्ट विज़िट प्लेस है। क्या हुआ अगर फेमस नहीं है तो, पर जो नज़ारा आप रास्ते में देखेंगे वो इतना सुंदर है कि आपको ऐसा करेगा कि बस यहीं पे टेंट बना के रह ले। अक्षय तो इंसिस्ट भी कर रहा था कि आज यहीं रुकेंगे, वो हम लोग ड्राइवर भाई की वजह से फिर वहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि फिर ड्राइवर भाई कहाँ पे रुकते, और यहाँ पे ठंड भी लगती उनको, तो गाड़ी में सोने का उनका हो नहीं पाता, तो इसीलिए फिर हम लोग ने रुकने का प्लान कैंसिल किया और हम लोग सेम डे रिटर्न हो गए। फ्रेंड्स, बेरस कुंड की स्टोरी जो है वो आप अक्षय से सुनिएगा, जो कुछ देर बाद आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा, जिसमें अक्षय अच्छे से समझाते हैं। फ्रेंड्स, बेरस कुंड का नाम जो है वो दशोली भी है, रीज़न आपको वीडियो में जब अक्षय स्टोरी सुनाएगा तब पता चल ही जाएगा। बेरस कुंड जो है फ्रेंड्स, मतलब ये टेंपल की वजह से तो विज़िट करने लायक है ही, बट साथ में साइट सीइंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। दूसरा, अगर आपको मेले पसंद है तो शिवरात्रि के समय यहाँ पे मेला लगता है और सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं मंदिर में। मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जैसे कि हम लोग तो 3 लोग थे गाड़ी में, रास्ते में जब हमने शुरुआत किया मतलब बेरस कुंड जाने की तरफ, तो रास्ते में हमें बस 1-2 बाइक दिखी थी, उसके बाद पूरे रास्ते कुछ दिखा नहीं। तो ज़रा मतलब मैं सजेस्ट करूँगी अकेले कभी भी मत जाइए, और दूसरा कि कार लेके जाए तो कार लेके जाए या बाइक लेके जाए, थोड़ा संभल के चलाइएगा। कार लेके जाए तब इसलिए संभालना पड़ेगा क्योंकि वन वे है रास्ता। दूसरा, बाइक में तो मतलब ठीक है वैसे, बाकी आगे की स्टोरी आप अक्षय से सुन लीजिएगा, अभी आपको पता चल ही जाएगी। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ पे रावण ने अपना सर काटा था और महादेव को प्रसन्न किया था। यहीं से रावण ने महादेव को उठा के लेके जा रहे थे लंका, परंतु महादेव की लीला सबको पता है अपरंपार। तो गणेश जी एक ऋषि मुनि के रूप में आए थे, और जब उस टाइम रावण को मूत्र विसर्जन लगा था तो उन्होंने गणेश जी के हाथ में वो शिवलिंग को थमा दिया था, और वो वहीं पर प्रकट हो गए थे जो देवगढ़ के नाम से बहुत फेमस है, बाबा धाम, बाबा वासुकीनाथ। चलिए आगे, बाकी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे अक्षय जो कि ये मंदिर तक लेके आए हैं मुझे और वो ड्राइवर भाई को। जगह का नाम आपने सुन लिया होगा, अक्षय ने जो बोला बेरस कुंड, जो कि आया हुआ है कर्णप्रयाग उत्तराखंड में। अब हम लोग जाज के मंदिर देखते हैं।
यहीं पे महासती काली बलशाली रावण ने अपना पीठ काट के महादेव को प्रसन्न किया था। गाँव कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठंडा नहीं लग रहा? मंदिर यहाँ पर अंदर है क्या? हाँ बंद है। पकड़ो रावी को दर्शन करो। फ्रेंड मंदिर बंद है, ये इसके अंदर मंदिर है। अब चलो इस साइड चलते हैं। यही होगा कुंड जो बोलते हैं, वो यही है ना? मतलब कुंड मतलब तो जिसमें पानी होता है, मतलब यही कुंड है। अंदर उतरोगे नहीं? अंदर नहीं उतरेंगे। अच्छा हाँ बंद है। तो फ्रेंड ये रहा बैरास कुंड जिस जगह पे हम लोग आए हैं, बट अंदर नहीं उतर सकते क्योंकि अब बंद है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बाकी जो स्टोरी था वो तो आपको सुनने को मिल गया होगा अक्षय से। काफ़ी सुंदर जगह है एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चलो हाँ फ्रेंड्स दरवाज़ा खोल दिया है मंदिर का। हम लोग इतनी दूर से आए हैं ये सोच के शायद खोले हैं, तो चलिए हम लोग अब दर्शन कर लेते हैं। फ्रेंड मंदिर खुल चुका है। फोटो वोटो कुछ खींचेंगे ना? हाथ को पीते हैं। फ्रेंड्स यही था बैरस कुंड। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं और वीडियो बनाऊं एंड ऐसी नई नई प्लेसेस विजिट करूं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये जो है हम लोग गुजर रहे हैं बादल में से। ये साइड पे जो धुआं धुआं लग रहा है वो फ्रेंड्स बादल है। तो यही है इस जगह की खासियत, आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों में से गुजर रहे हो। तो अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो ये प्लेस ज़रूर से विजिट करें। अगर आप नेचर लवर हैं एंड आपको पहाड़ बादल ऐसे सुंदर नज़ारे देखने का शौक है तब, और अगर आपको मतलब महादेव के दर्शन करने हो तब भी आप ज़रूर से आ सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक था। जिसने जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो ज़रूर से कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।